सरकार और नक्सलवादी के बीच में संघर्ष चल रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आम आदिवासी, गरीब मजदूर, किसान भाई बहन प्रभावित हो रहे हैं। एक काड़े गांव की कहानी आपको दिखाने जा रही हूं, जिसमें सरकार और नक्सलवादी के बीच में संघर्ष चल रहा है। सवेरे सवेरे 6 बजे से पहले शीत गिर रहा था, उतना समय खेत गए थे, तो वहाँ से भाड़ा लेके आ रहा था, जो धान कटाई किए थे उसको बांध करके लेके आ रहा था बैलबंडी से। तो आते आते रास्ते में रोक के वहाँ पे खेत में फटे वाला साड़ी का लाल वाला कपड़ा डाल दिए थे, उसको देख करके वो लोग बिनर समझ के फायर वायरिंग भी चालू किया था। और वहीं पे हम लोग को रोक के बहुत पिटाई किया कि तुम ही लोग हो, नक्सल हो, ऐसे हो, ऐसे हो करके। और अपना मारपीट करने के बाद बाद में हमको कैम्प में ले जा करके बिठा के रखे और बाद में रात में छोड़ दिए। बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए नहाने गए थे, जिसमें इसी बीच में पुलिस फायरिंग हुई, जिससे कुमारी जयंती को गोली लगी। बेगुनाह लोगों को संदेह में गुनाहगार साबित करने की प्रयास पुलिस फोर्स के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। शनिवार की नहाए लगे रही तो नहीं जानत लेके मैं सबको दे रही तो मैं नहीं जानत रहे कि यहाँ पुलिस मनावे कही कि मैं यहाँ ये कपड़ा कांच के इसने खड़े रहे मेड़ में। तब बाद में बाजिश था मैं यहाँ नहीं जानत रहे पड़े से कि आवाज दे रही, लेकिन मैं नहीं भाग मुझे खड़े रहे पड़े स्थल लेके अमन भगे तन अपने मन भगे न पड़ी तब से भी भागे। वो परिवार जीने के लिए नहीं सकेगा, उसका वो जो बच्चा दानी वो सब खराब हो गया। अब कैसे नहीं जाबो, हमला तो हमार जिंदगी के प्यारे हवे ना, हमला मरना थोड़ी हवे। अब नहीं जाए नहीं सुने कर बात तिबले गल तो नहीं बना थे, तो पहले जात रहे ना, अभी नहीं जान, अभी बताए घला नहीं हो मना थे, तो हमला कोई पता नहीं है। मैं खुद ही नक्सल प्रभावित इलाका में रहती हूँ और आए दिन हमारे आसपास एवं अन्य लोगों के आसपास घटना होती रहती है, जिससे हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है, आदिवासी की जो जीवन प्रभावित हो रहा है, इसके लिए आरबी जैसे फोर्स की हमारे छत्तीसगढ़ में जरूरत नहीं है। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडियन हट के लिए।